की खुबोर का बाते सी टीवी लवन राशपी तक फ्रैंक मोटर्स बुकिंग ओपन फॉर द न्यू नेक्सन विजिट फ्रैंक मोटर्स और कॉल 7045207973। मंत्री खन्ना का सरकार पुडेंग उबपे यागतनात एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उ कैलाश चौधरी उला ओंग बा सरकार पुडेंग हपो गजिंग यालम जोंग मंत्री रंगबा दो करी उ नरेंद्र मोदी कलाला बन पनकलादुर यागथान छते लमिंगी उ कैलाश चौधरी हागजिंग क्रेन बट गिलाट बताई खुबोर हागजिंग वन युग जात छनोंग बा शिलोंग हाग आरफुखंडाई तरे उ कला लंकोट आरजार आरफुसाउ उला ओंग बा सरकार मोदी कलाला बन पनतरे कंपुरा यागी प्रोजेक्ट बफेर बफेर बन वेंग यागजिंग ए जोंगी पाच बा हाग लेट कवान दागबशना यागी सुरक हाक लंगी शिनोंग जोंगी जिल्ला गने कथाइन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य और नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना और नॉर्थ ईस्ट को विकसित करना पूरे देश के अंदर कैसे मुख्य धारा के अंदर आए इसका विशेष उनका फोकस है। और पिछले 10 साल के अंदर आपने सबने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विकास हुआ है वो अपने आप में एक अलग ही पहचान बना चुका है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हम यहाँ पर आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी और ऐसा लगता था कि जैसे देश से नॉर्थ ईस्ट अलग से कटा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले इन 10 सालों के अंदर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को ये कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस देने की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रखकर जिस तरह से स्कीम्स बनाई गई और उसी का परिणाम ये रहा कि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो इन सभी के मूलभूत काम करने की वजह से हमें आज ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में नॉर्थ ईस्ट एक रफ्तार के साथ गति के साथ बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और वो चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर हो आज चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर हो और चाहे वह टूरिस्ट की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम देखें चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं से देखें तो आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिछले 10 साल में विकास हुआ है। और जैसा कि बहुत ही विषम परिस्थितियों के अंदर यहाँ की स्थिति है लेकिन उसके बावजूद भी उसको अचीवमेंट को पार करने का काम भी किया है। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ पर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत पहाड़ों के ऊपर हो चाहे नीचे हो सब जगह लाइट पहुँचाने का काम हुआ है। तो वहीं पर शौचालय बनाने का काम भी इसमें यहाँ पर सभी जगह किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास बनाए गए और इसके साथ ही देखा जाए तो आज पिछले इन 10 सालों के अंदर जहाँ उज्ज्वला गैस योजना के तहत गाँव के अंदर गैस को पहुँचाने का काम हुआ हर जो पात्र व्यक्ति है उसको गैस का कनेक्शन मिला और उसके साथ ही JJM स्कीम के तहत हर घर जल पहुंचे और उसमें नॉर्थ ईस्ट पूरी के अंदर और चाहे मेघालय के अंदर हो चाहे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो तो मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग देखा जाए तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 80% घरों में पानी का कनेक्शन JJM के तहत कर दिया गया है। आज मैं जब रिव्यू बैठक ले रहा था डिस्ट्रिक्ट की तो उसके अंदर मुझे जैसा पता चला कि लगभग 80% और बहुत जल्दी हम उसको अचीव करेंगे और वो भी RO युक्त यानी मीठा पानी मिलेगा फिल्टर किया हुआ पानी उसके RO के काम चल रहे हैं। RO के काम कई जगह पर कंप्लीट हो जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर सारी चीज़ें देखा जाए तो हर घर जल पहुँचाना और उसके साथ ही किसानों के लिए कृषि के अंदर हॉर्टिकल्चर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसी ऐसी क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप के माध्यम से हमने चिन्हित की कौन सी क्रॉप है जो किसान को एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जो है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और मार्केट लिंक कर सकते हैं। और एक सप्लाई चेन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया कि सप्लाई चेन के माध्यम से हम कंप्लीट वैल्यू चेन बनाकर और उसके लिए 10,000 FPO जो बने उस FPO के माध्यम से गांवों के अंदर यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी FPO बनाए गए, जिसके अंदर हमने जहाँ दूसरी जगह पर 300 फार्मर होना जरूरी है लेकिन यहाँ पर हमने 100 फार्मर के ऊपर भी FPO बनाए। और उसका ये परिणाम रहा कि आज उन FPO के माध्यम से चाहे आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग करके चाहे वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो, चाहे पॉली हाउस बनाने की बात हो, इन सभी चीज़ों पर विशेषकर हॉर्टिकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए और यहाँ का प्रोडक्ट कैसे देश के दूसरे क्षेत्र के अंदर पहुँचे, विशेष ट्रेन के माध्यम से, विशेष विमान के माध्यम से भी हमने कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ की प्रोडक्ट को देश के अन्य भागों के अंदर भेजने का काम हुआ। और उसके साथ ही एक्सपोर्ट के ऊपर भी बल दिया गया कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर और विशेषकर मेघालय का अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट जो इस हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में आज उसकी पहचान बन चुके हैं, तो वो कैसे पहुंचे और मार्केट में किसान को उसका लाभ कैसे मिले, एक मार्केटिंग की समस्या से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए FPO बनाए गए। और मुझे लगता है कि इसका अभी इसी वर्ष ही लगभग ऐसे किसानों को इस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 50 से लगभग 100 करोड़ के बीच में एग्रीकल्चर से भी सपोर्ट मिला है किसानों को, राज्य की स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके साथ ही यहाँ पर जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पिछले 4 साल के अंदर अकेले मेघालय के अंदर लगभग 7,000 करोड़ की सड़कों का नेशनल हाईवे के द्वारा NHAI के द्वारा काम हुआ है। 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जिसमें लगभग 23 प्रोजेक्ट NHAI के द्वारा यहाँ पर संचालित तो किए गए करने का निर्णय हुआ और उसमें से 16 ऑनगोइंग अभी प्रारंभ हो चुके हैं 16 प्रोजेक्ट। और इसके साथ ही जहाँ ये 8 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं और इसमें टोटल मिलाकर राज्य में कुल 36 हवाई अड्डे जो अभी इन्हीं 8 और 10 सालों के अंदर 36 नए एयरपोर्ट बनाए गए, जहां पूरे देश के अंदर देखा जाए तो और एयरपोर्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उसमें 74 एयरपोर्ट ही थे और अभी तक वो जस्ट डबल हो गए हैं, देश में 148 एयरपोर्ट बने, उनमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एयरपोर्ट बने गए। तो ये मुझे लगता है कि आप अगर देखा जाए तो जो फ्लाइट की स्थिति थी वो भी अगर जैसे एयर के फ्लाइट जो आती थी टोटल इस मूवमेंट जो होता था वो सिर्फ 146 एयरपोर्ट यानी 146 मूवमेंट एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन का होता था और आज वही मूवमेंट है जो लगभग 4,000 से ऊपर हो चुका है, लगभग जैसा कि 1,198 ऐसे इतने मूवमेंट यहाँ पर हुए, तो लगभग कितने गुना मूवमेंट बढ़ा है, एयरपोर्ट बने हैं। तो इससे हमारे टूरिस्ट के अंदर आने के अंदर टूरिस्ट टूरिज्म के अंदर बढ़ावा मिलता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी है, अन्य सेक्टर के अंदर भी है। तो ये सभी जो पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को विशेष सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा दिया गया और उसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से अन्य अन्य सेक्टर के अंदर चाहे रेलवे के अंदर हो नई नई ट्रेनों को प्रारंभ किया गया और नई नई जिस तरह से फ्लाइटें शुरू की गई है और ये सभी दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए एक पार्ट पीछे रह जाए तो भारत विकसित नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को पूरा 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या पहले जब हम कहते थे कि भारत विकासशील है लेकिन अब विकसित भारत की परिकल्पना करके और जो काम किया जा रहा है तो उसमें चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही हो या साउथ क्षेत्र हो, साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, पूरे देश भर के अंदर ऐसा लगने लगा है कि अब देश निश्चित रूप से हम सभी को ये उम्मीद लगे कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा।
और उसके लिए गांव गांव के अंदर जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर के अंदर निकाली गई और उसमें लगभग 3 लाख पंचायत है पूरे देश में, लगभग 3.5 लाख पंचायत, उन सभी के अंदर रथ भेजे गए। सभी अधिकारियों को यह कहा गया कि आप वहां जाकर गांव के अंदर जो सैचुरेशन तक हमें पहुंचना है, जिन पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस से संबंधित हो, चाहे बैंक के अंदर केसीसी बनाने की बात हो, इस प्रकार से जितने भी प्रकार की जो सेंट्रल की स्कीम है उनको गांव के अंदर जाकर और वहां पर उनके फॉर्म भर के और उनको योजना का लाभ मिले, इस दृष्टि की चिंता अगर कोई पहली बार की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पहली बार इस प्रकार के कैंप लगाए गए, इस तरह की यात्रा निकाली गई। बाकी स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी करती थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति पीछे नहीं रहे। तो ये इसी दिशा के अंदर है कि आने वाले समय के अंदर हमें भारत को दुनिया का एक नंबर देश बनाना है, तो इस प्रयास के अंदर भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लगी हुई है और उसी कड़ी के अंदर देश के जितने भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन सभी मंत्री को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के अंदर हर 2 महीने या 1 महीने में जाकर उनकी जानकारी लेना, उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, उनको करवाना और उसके साथ ही वहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है उसको कैसे नए प्रोजेक्ट लाकर और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा देश की मुख्य जो अन्य राज्य हैं उनके बराबर मुख्य धारा में लाकर और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा के अंदर पिछले 9 साल 10 साल के अंदर जो काम हुआ है, तो निश्चित रूप से आज उसी दिशा के अंदर कड़ी के अंदर मेरा भी यहाँ आना हुआ और ये मुझे लगता है कि मेघालय पूरा प्रदेश है और इस प्रदेश के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करने का निश्चित रूप से प्रयास राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और बहुत खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कल में हमारा भारत जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें मेघालय का भी बहुत बड़ा रोल होगा और मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लोगों को मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ये हमारी प्राथमिकता में है और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वह नॉर्थ ईस्ट भी आने वाले समय के अंदर हर वो जो सुविधाओं से महरूम रहा हुआ है उनको वो सुविधाएं मिले, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मुख्य अचीवमेंट में रहेगा। यही मुझे कहना था आप सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत।